स्टूडेंट्स नमस्ते, कैसे हो आप सब? आज हम कल इसका बहुत ज़्यादा हमने बता नहीं पाई थी, मैं इसके बारे में शॉर्ट ही वीडियो था कल से स्टार्टिंग थी, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कल हम बात कर रहे थे। ठीक है, कल मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि नॉर्मली एक हम जनरल डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा कि हाँ कि जो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं उनको तो हमने बोला था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो पालन नहीं करते वो होते हैं अजड़त्वीय या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रही हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई टर्म अगर मैं इंग्लिश में लिखती भी हूँ तो मैं उसको हिंदी में भी आप लोग को बता देती हूँ, इसमें लिखवा देती हूँ, और फिर भी ऐसे कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, उसके बारे में तो सबसे पहले जैसे कल मैंने आपको बताया जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में बताया मैंने, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि इसमें क्या होता है कि न्यूटन के नियमों का पालन करता है। ठीक है, अब न्यूटन के नियमों के पालन से मतलब क्या है, हम आज उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है, पहले हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको मैं आज आप लोगों को अच्छे तरीके से डेरिवेशन के साथ और प्रूफ करके पूरा बताऊंगी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें ही थोड़ी हमें डिस्क्राइब से समझनी ज़रूरी है, उसके बाद में तो आप लोगों के जैसे जैसे डेरिवेशन से अलग अलग टॉपिक से तो वो चलते जाएंगे, तो ठीक है ना, वो सब अलग अलग पार्ट है, उनमें कुछ कुछ खास है नहीं ज़्यादा, सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं। वैसे तो ये हमारे 11th 12th में ही आने लग जाता है, 11th में ही आता है शायद हमारे ये, तो वहाँ से भी हम लोगों ने पढ़ा ही होता है। फिर भी तो देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मेनली हम क्या चीज़ बोलते हैं इसमें, कि ये क्या करता है, न्यूटन के जो हमने कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूटन के तीन, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, पहला उसमें जड़त्व का नियम था, दूसरा उसमें किसका, संवेग संरक्षण का नियम होता है, और तीसरा उसमें क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये नियम होता है। तो इसमें स्पेशली हम ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट जो दो लॉज होते हैं इसके, पहले जो दोनों नियम है जड़त्व का और संवेग का नियम, ठीक है ना, हम इन दोनों की हम स्पेशली बात करते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन दोनों नियमों की पालना करते हैं, न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम की पालना करते हैं, उनको हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, या फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जैसे इसके नाम से क्लियर होगा, मैं पहले और दूसरे नियम की पालना से हमने इसका मतलब क्यों बताया, ठीक है ना, तो जैसे आप इसका नाम देख रहे हो जड़त्वीय, जड़त्व का मतलब ही होता है कि मतलब बिल्कुल जड़ हो जाना, जड़ हो जाना मतलब अगर कोई चीज़ कांस्टेंट मोशन में चल रही है तो वो उस मोशन में कांस्टेंट चलती रहेगी, और या अगर कोई चीज़ स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएं। ऐसा कौन कहता है, किसका स्टेटमेंट है, जड़त्व के पहले नियम की फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का ऐसा स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नियम हम पढ़ते हैं, संवेग का नियम हम पढ़ते हैं, या उसी के अंदर का संवेग संरक्षण का नियम भी आता है उसके बारे में, ठीक है ना। अब इन दोनों नियमों से हमने इस चीज़ को क्यों जोड़ा, क्योंकि जड़त्व के बारे में हमें कैसे बताता है, तो वो हम कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम देखेंगे उसको, ठीक है, डेरिवेशन के थ्रू। तो एक और डेफिनेशन हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में, कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पार्टिकल है वो हमें कैसे दिखाई दे, नॉन एक्सीलरेटेड दिखाई दे, कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, निर्देश तंत्र में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लो या निर्देश तंत्र कुछ भी लिख लो, कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमें पार्टिकल्स हैं कैसे दिखाई दे, नॉन एक्सीलरेटेड दिखाई दे, ठीक है, नॉन एक्सीलरेटेड से मतलब क्या होता है, अत्वरित दिखाई दे, अत्वरित दिखाई दे, अत्वरित का मतलब क्या हो गया, कि मतलब त्वरण जहां पे नहीं हो, इसका मतलब इसके लिए हमारा एक्सीलरेशन ए बराबर क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। इसको भी है, ये डेफिनेशन भी है जड़त्व निर्देश तंत्र की, ठीक है, एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर को ही तो हम त्वरण कहते हैं, डीवी अपॉन डीटी कहते हैं, ठीक है ना। अब वेग में परिवर्तन हमने इसलिए बोला कि या तो उसका वेग में कोई परिवर्तन ना हो, तो फिर से हम उसी डेफिनेशन पे आ गए जो अभी हमने बोला था, क्या कि अगर या तो ये वेग वेलोसिटीज की जीरो है तो वो जीरो ही रहे, ठीक है ना, और या फिर अगर कुछ भी है इसकी वैल्यू तो जो है वो कांस्टेंट के कांस्टेंट रहे, मतलब इसमें जो चेंज है ना वो चेंज जीरो, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये जड़त्व के नियम का पालन करेगी। तो भी हम इसी डेफिनेशन पे आ गए कि हाँ, कि एक तरह से इसके थ्रू भी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहे, अगर कोई मोशन में है तो उसी मोशन के साथ कांस्टेंटली चलती रहे, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, जैसे कि जो हमने बोला कि न्यूटन के फर्स्ट दोनों लॉ, जो हमने बोले कि फर्स्ट और सेकंड लॉ को पालन करता है जड़त्वीय
निर्देश तंत्र जो होता है ये तो ये कैसे पालन करते हैं उस चीज को हम बता सकते हैं कि भाई उन दोनों के थ्रू भी हम यही चीज बोलते हैं कि जो वी है आइदर वी इक्वल टू जीरो या तो वी इक्वल टू जीरो हो या फिर जो वी जो है कोई कांस्टेंट मोशन के साथ चल रहा हो, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट मोशन के साथ चल रहा हो या फिर बिल्कुल क्या हो जड़त्व है, मतलब बिल्कुल स्थिर हो, मतलब उसमें वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल भी हो ही ना, ठीक है। ये तो हम ये चीज एक तरह से हमने किसका स्टेटमेंट बताया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, जड़त्व के नियम का हमने स्टेटमेंट बताया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ कैसे फॉलो करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ये आपको समझ में आ गया क्योंकि हम बोल रहे हैं जड़त्व के निर्देश तंत्र, वो निर्देश तंत्र है जिसमें हमें क्या हो पार्टिकल नॉन एक्सीलरेटेड दिखाई दे, तो इससे भी हम एक तरीके से यही बात बोल रहे हैं कि त्वरण यहाँ पे जीरो हो, मतलब वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन ना हो, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहे और अगर वो कोई मोशन में चल रहा है तो चलता रहे, तो एक तरीके से ये क्या फर्स्ट लॉ को तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको अभी मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करके बताऊंगी। अच्छा, और ये कंडीशन कब होती है, साथ में वो कंडीशन ध्यान रखना कि जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, हम तभी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जब तक हम उस पर अप्लाई ना करें तब तक की बात होती है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ में जैसे हम पढ़ते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ संवेग का नियम होता है, ठीक है ना, संवेग का नियम होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। या लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम आपको क्या बोलता है कि किसी भी जो कोई सिस्टम है या कोई भी जो फ्रेम है कि उसमें मोमेंटम में जो चेंज होता है, मोमेंटम में चेंज की दर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर आरोपित किए गए बाह्य बल के बराबर होती है, संवेग में परिवर्तन की दर। आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई। मैं इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि मैंने फोर्स माना एफ बराबर, मैं किसके बराबर बता रही हूँ, संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन ये dp अपॉन में dt, p यहाँ पे मोमेंटम है, संवेग है, ठीक है, ठीक है। f बराबर f एक्सटर्नल, मान लो एक्सटर्नल फोर्स आरोपित जो हमने बाह्य बल बोला है वो बोल सकते हैं उसको, dp अपॉन dt के बराबर में होता है, ठीक है। अब इसको मैं आगे क्या लिख सकती हूँ आपको पता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, p बराबर होता है mv, मास इंटू में वेलोसिटी के बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू में वेग के बराबर, तो P बराबर एम वी, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ठीक है। और बराबर में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एम में अगर बाहर ले लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं dB अपॉन में dt, dB अपॉन में dt क्या होता है आपको पता है, एक्सिलरेशन होता है, त्वरण होता है एम ए, तो एफ बराबर एम ए के बराबर हमारे पास आ गया चीज, ठीक है। अब हमने इसमें क्या बोला, क्योंकि कि जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे तब तक वस्तु की जो स्थिति है उसी में बना रहता है, तो एफ एक्सटर्नल अगर हम लेते हैं कि एफ एक्सटर्नल हमने माना कि बराबर में जीरो है, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, एम ए बराबर जीरो। अब मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सीलरेशन बराबर में जीरो, ठीक है। तो ये टर्म आ गई, हमने पहले इसके लिए क्या बोला था, जड़त्व निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र है जो क्या हो नॉन एक्सीलरेटर दिखाई दे, जिसके लिए हमारा द्रव्यमान सॉरी त्वरण हमारा जीरो के बराबर हो, तो ये ए बराबर जीरो, ये हमारा मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग, अब इसी में दूसरा जो हम नियम पढ़ते हैं न्यूटन का, इसी से रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम जो क्या कहता है कि संवेग हमारा एक्सटर्नल फोर्स की अनुपस्थिति में
समय का हमारा क्या संरक्षित रहेगा। कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एफ एक्सटर्नल जो है बाय बल जो हमने आरोपित किया है वो बराबर में 0 है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, तो मैंने ये बोला इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं फोर्स एफ बराबर में 0 कर देती हूँ, तो इसका मतलब डी पी अपॉन डी टी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। मतलब कि पी में परिवर्तन की दर 0 है, पी में परिवर्तन की दर 0 होने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब पी हमारा कैसा है, कॉन्स्टेंट है। और पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, अभी हमने बोला मास इंटू वॉल्यूम के बराबर होती है, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब मास तो ऑब्वियसली मास कौन सा, इसका मतलब वी हमारा वेलोसिटी कैसा हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो संवेग हमारा कैसा संरक्षित हो गया, नियत हो गया, नियत हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसमें दोनों ही चीजें प्रूफ कर दी, ए बराबर 0 होता है कि अत्वरित होना चाहिए, वो डेफिनेशन भी हमारी प्रूफ हो गई। और दूसरा हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि या तो वेलोसिटी 0 है तो 0 हो, और अगर वो कोई वेलोसिटी उसकी है किसी वेग से चल रहा है तो वो कॉन्स्टेंट उसी वेग से चलता रहे, कॉन्स्टेंट वेग से वो कैसा रहे, नियत वो चलता रहे। ठीक है, तो ये हमारा वी बराबर कॉन्स्टेंट, हमने ये चीज प्रूफ कर दी। तो इस तरीके से हमारे क्या है कि हमने जो पहले बोला था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, न्यूटन के वो निर्देश तंत्र जो कि न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम जो होते हैं गति के, उन दोनों का पालन करते हैं। तो प्रथम नियम के अनुरूप तो हमने क्या चीज बताया कि कोई भी जो वस्तु होती है वो हमेशा जड़त्व का पालन करती है, मतलब अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर वो गति कर रही है किसी नियत वेग से तो उस नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो हमने यहाँ से भी जो है कॉन्स्टेंट ये चीज प्रूफ कर दी। और दूसरे हमने इसकी डेफिनेशन दी थी कि कोई निर्देश तंत्र जो कि क्या हो, त्वरित, उसमें त्वरण नहीं होना चाहिए, अत्वरित हमें दिखाई दे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ए बराबर 0 ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को आप नोट कर लो। इसी के हम एक और डेफिनेशन भी देंगे। मैथमेटिकली हमने इसको प्रूफ कर दिया है। दूसरी डेफिनेशन हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि कोई भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष, कोई निर्देश तंत्र एक जड़त्व है, ठीक है, उसके सापेक्ष अगर नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी कैसा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होगा। ठीक है, लिखो इसे कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष, नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की है दूसरी डेफिनेशन भी है। अब जैसे मान लो, क्योंकि अब जब हम, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया उसमें कोई पार्टिकल है भी, उसकी पोजीशन कुछ अलग है, इस एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब हो सकता है पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्टिवली हम देख रहे हों, जो कि एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश से डिनोट कर रखा हमने, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन अलग हो जाएगी। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पार्टिकल की पोजीशन अलग होगी, जबकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो वही वाली चीज हम अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई मान लो कोई निर्देश तंत्र तो जड़त्वीय है, अब उसके सापेक्ष लेकिन एक निर्देश तंत्र है वो क्या है, कोई कॉन्स्टेंट वेग से भले ही वो चल रहा, लेकिन इसके सापेक्ष अगर आप देखोगे, मान लो मैं ये बोलूँ कि ये तो वी वेलोसिटी से चल रहा है,
लेकिन अगर ये खुद कैसा जड़त्वीय है तो ये भी इसके सापेक्ष में कैसा होगा, जड़त्वीय ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमने बोला कि नियत वेग से गतिशील है, तो हमने पहले कंडीशन बताई थी कि वेलोसिटी या तो कैसी हो, जीरो हो, और या फिर अगर चले भी तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो होती है। अब देखो इसका, जैसे हम एक एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बताऊँ, जैसे कि मान लो ये कोई मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, निर्देश तंत्र मान लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये इसका ओरिजन हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई एक बस है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये कोई बस हो गई, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, ये नियत वेलोसिटी वी से चल रही है ये, ठीक है ना। अब लेकिन ये खुद कैसा है, ये खुद तो स्थिर है, जड़त्व है ये, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्योंकि क्या है, जीरो है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बी बराबर जीरो है, तो इस वजह से ये जड़त्व है, ठीक है ना। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से खड़ा होकर वो देखे तो बस के कांस्टेंट मोशन से चल रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये देखेगा तो ये इसको कैसे दिखाई देगा, जड़त्वीय दिखाई देगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये कैसा निर्देश तंत्र हो जाएगा, ये खुद एक निर्देश तंत्र हो गया। अब जैसे मान लो इसके अंदर कोई एक आदमी बैठा हुआ है, सी मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसको तो बस किसी कांस्टेंट मोशन से चलती हुई दिखाई दे रही है, तो अगर मैं इसमें इस आदमी की वेलोसिटी क्या है, भाई वो आदमी तो किस वेग से चलेगा, जिस वेग से बस जा रही है वही तो उस आदमी का भी वेग होगा, ठीक है ना। तो बस की वेलोसिटी और इसकी, इन दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो कैसे होगी, वी सापेक्ष। अगर मैं बात करूँ या एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, एक दूसरे के सापेक्ष बी की और सी की, बी सी, बी बी और बी सी, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, जीरो, एक दूसरे के सापेक्ष जो वेलोसिटी है। अब ये इसको तो सी को पता है कि बी जो है कांस्टेंट मोशन से मोशन कर रहा है, तो वैसे देखा जाए तो ठीक है ये तो मोशन में है, तो आप बोलोगे कि अजड़त्वीय होना चाहिए फिर तो, ये तो क्योंकि मोशन कर रहा है। लेकिन इसके रेस्पेक्टिवली देखें हम इसको, ये भी एक निर्देश तंत्र हो गया भाई, सी ने बी को खुद का निर्देश तंत्र मान लिया कि मैं तो बी में बैठा हूँ, तो मैं उसको ही अपना निर्देश तंत्र मानूंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजिशन बताऊंगा किसी को, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कोई तीसरा पर्सन यहाँ से खड़ा होकर देखना है तो उसको तो बस एक कांस्टेंट मोशन से चलती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए क्या है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पालन कर रहा है, क्योंकि कि अगर वो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए इसके सापेक्ष में कैसा होगा, जड़त्वीय होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कोई जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष में खुद जड़त्व है, तो अगर नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र है तो वो भी कैसा होगा, जड़त्वीय होगा, ठीक है। ये बना लो, इस तरीके से न्यूटन के फर्स्ट और न्यूटन के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम इसको बोलते हैं, न्यूटोनियन। न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के निर्देश चीज हो गई। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र से तो मैंने आपको दो तीन अलग अलग टाइप की डेफिनेशन बता दी, हमने उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके देख लिया, तो आप किसी भी डेफिनेशन के थ्रू इसको समझा सकते हो। ऐसा नहीं है आपके लिए एग्जाम में अगर कभी पूछ भी रहे तो तीनों डेफिनेशन लिखनी जरूरी नहीं है, कोई एक लिख दो, उसके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बना के एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख के और उस चीज को आप बाइंड अप कर दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और जड़त्वीय निर्देश तंत्र पे। ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति कैसी हमें दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे।
मतलब हमें त्वरण मतलब कि उसके वेग में परिवर्तन होता रहे। त्वरण ए बराबर क्या होता है, डीवी अपॉन डीटी तो होता है वेलोसिटी में चेंज, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज होता रहे। ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी में चेंज होगा तो ये न्यूटन के लॉस को तो फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि न्यूटन का लॉ तो कहता है भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये अजड़ती होता है तो न्यूटन के नियमों का पालन भी नहीं करता है, और इसके लिए ए जो है शुड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी में है परिवर्तन वो होते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज आप लिख लो, जितने भी रोटेशनल मोशंस आपके जितने भी होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन होते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं, नॉन इनर्शियल में आते हैं। तो ये किसको इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। ठीक है, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन जितने भी होते हैं, क्योंकि उनमें कंटिन्यूअसली क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो वो सारे हमारे किसमें, अजड़ती निर्देश तंत्र में। लेकिन अब उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, देखो लिख लिया आपने, मिटा दूं मैं, उसमें कंडीशन कैसे है। अब जैसे आप एग्जाम्पल आप मान लो अर्थ का, पृथ्वी, आप बोलोगे पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी जब होती है सन के अराउंड ये चक्कर लगाती रहती है, तो पृथ्वी क्या होती है, रोटेशनल मोशन तो करती है। ठीक है, रोटेशनल मोशन करती है, साथ के साथ ये स्पिन मोशन भी करती है, आपको पता है घूर्णन गति, ठीक है ना, चक्रण गति और घूर्णन गति दोनों टाइप की गति करती है। घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन तो करती है, और उसके अलावा खुद की धुरी पर भी जो घूमती है जिसको हम स्पिन मोशन कहते हैं वो भी करती है। तो आप बोलोगे कि उस अकॉर्डिंग तो फिर अर्थ की जो मोशन होती है, अर्थ में तो सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है, तो इसका मतलब फिर तो अर्थ की मोशन को हम किस में इंक्लूड कर लें, नॉन इनर्शियल में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कर लें। ठीक है, अब जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, तो कैमरा जो है वो तो बिल्कुल मूव कर नहीं रहा। अगर मैं इसको मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग कैमरा जो मेरा है वो कैसा है, बिल्कुल भी उसके लिए वेलोसिटी वी बराबर कैसी है, जीरो है। तो मैं बोलूंगी कि ये कैसा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब जैसे मान लो अर्थ के टॉप सरफेस से मैं अगर देखूं इसको, ठीक है ना, अर्थ के टॉप सरफेस से मैं देखूं, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि जैसे मान लो कि कोई आदमी जो है वो किसी दूसरे ग्रह पे चला जाए, मंगल ग्रह पे, जैसे मान लो कोई चला गया चांद पे चला गया, कोई मंगल ग्रह पे, अब वहां से अगर वो अर्थ की कंडीशन देखेगा तो अर्थ उसको कैसी रोटेट करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अर्थ तो रोटेट कर रही है, अब अर्थ के रोटेट करने का मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूड हो रही है वो सारी की सारी चीजें इसका मतलब रोटेट करेगी। भाई मोशन तो हम सब इसका मतलब करते ही होते हैं, जब पृथ्वी हमारी घूमती है 24 घंटे, तो इसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, लेकिन वो वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबल है, वेलोसिटी क्या है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा स्लो होती है, अदरवाइज तो सब चीजें इधर उधर हो जाए, लेकिन वो वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होती है, उसको हम ऑलमोस्ट जीरो के बराबर मान सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थ हमारी मूव कर भी रही है, लेकिन जो मंगल पे जो आदमी यहाँ पे मंगल ग्रह पे बैठ करके जो आदमी देखेगा उसको तो अर्थ पता चलेगा ना कि रोटेट हो रही है, ये स्पिन मोशन भी कर रही है, मतलब ऐसे गोल 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 भी घूम रही है और चारों तरफ भी घूमती हुई जा रही है, मतलब कितना खतरनाक मोशन हो रहा है उसका। ठीक है ना, तो वो तो ये बोलेगा कि इसका मतलब तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एक कंडीशन से नहीं बोल सकते, आपको ये है कि डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की स्थिति क्या है। अगर मैं अर्थ पे होते हुए भी अगर मैं खुद का और इस कैमरे का कंपेयर करूं, तो मैं बोलूंगी कि कैमरा एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, या ये रूम एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, या मैं एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं मंगल पे जाके कोई मेरी कंडीशन को देखे तो वो क्या बोलेगा कि ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ठीक है ना, इस तरीके से तो जड़त्वीय अजड़त्वीय डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की कंडीशन क्या है। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो उसको कैसा दिखाई देगा, ये अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल, क्योंकि मूव करती हुई दिखाई देगी। अगर मैं इसके अंदर में यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे ये मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो मुझे कैसे दिखाई देगा, ये जड़त्वीय है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो कैसे जड़त्वीय है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन हो जाती है, समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। ठीक
ये तो हमने बात की रोटेशनल मोशन की। अब जैसे मैंने बोला था कि सारे रोटेशनल या फिर सर्कुलर मोशन जो होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, कोई सर्कुलर मोशन का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कुछ भी है, कोई चीज है, अगर वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है और ये भी वेलोसिटी से ये चल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि उसका मैंने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी, सर्कुलर मोशन में है, तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, कभी वो इस जगह पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, फिर इस जगह आएगा वेलोसिटी ये हो जाएगी, इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली कैसा मूव करता रहेगा वो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि भाई इसकी वेलोसिटी सब जगह तो चेंज हो रही है, तो ये कैसा होना चाहिए, नॉन इनर्शियल होना चाहिए, मतलब तो इसका एग्जाम्पल ही सही बात है। लेकिन आप फिर इसमें ये चीज़ भी ध्यान दो कि यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है कैसे डायरेक्शनल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर कंडीशन पे पार्टिकल जब अलग अलग पोजीशन पे आएगा तो हर टाइम उसकी क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होती जाएगी। डायरेक्शनल चेंज होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसमें इस चीज को भी कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि हर पोजिशन पे तो उसकी डायरेक्शन ही जब चेंज हो जा रही है, तो फिर तो मैं ये नहीं कह सकती ना कि इसके करस्पॉन्डिंग मैं हर पोजिशन को क्यों कंपेयर करूंगी। अगर पार्टिकल इस जगह पे आ गया तो यहाँ पे तो ये एक डायरेक्शन में ही रहेगा, फिर अगर ये यहाँ आया तो यहाँ तो एक डायरेक्शन में ही रहेगा, तो इस अकॉर्डिंग तो मैं इसको जड़त्वीय भी बोल सकती हूँ। तो ये कि ये सारे एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि भाई जड़त्वीय अजड़त्वीय तो आपको समझ में आ गया कि न्यूटन के दोनों लॉज को फॉलो करते हैं, अजड़त्वीय सॉरी जड़त्वीय तो वो हो गया, ठीक है। अजड़त्वीय जो होता है ये आपको समझ में तो आ गया कि हाँ कि रोटेशनल मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन, इन सबको ये इंक्लूड करता है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की पोजिशन क्या है, ऑब्जर्वर किस अकॉर्डिंग देख रहा है। तो आप लोग सिर्फ सर्कुलर मोशन देख करके कभी ये मत टिक कर देना कि अजड़त्वीय ही है, उसके साथ पोजिशन देख लेना कि ऑब्जर्वर किस पोजिशन पर दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक आप डालो। या फिर हम बोल सकते हैं निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण से हमारा मतलब क्या होता है, जैसे आपने पता है कि आप अपन जैसे पढ़ते हैं कि अपन कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं कि हम पूरे यूनिवर्स में बात करते हैं, स्पेस में बात करते हैं, तो वहाँ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें क्या होता है, तीन कोऑर्डिनेट इनकी हमें ज़रूरत लेनी पड़ती है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड हम इनको अलग अलग कोऑर्डिनेट के थ्रू हम इनको बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे क्या होता है पूरे स्पेस में, अगर मैं इसकी बात करूँ, स्पेस में जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमें उसके लिए चार कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिक् काल निर्देश तंत्र भी हम बोलते हैं इसको। दिक् काल, दिक् का मतलब, दिक् काल का मतलब यहाँ पर टाइम भी आ जाता है आपके, दिक् काल निर्देश तंत्र मतलब आपके एक्स वाई और जेड, और इसके साथ में टी भी आ जाता है, ठीक है ना। टी भी आपके इंक्लूड होता है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड और उसके साथ में टी जो कोऑर्डिनेट है हमें उसकी भी जरूरत होती है इन सारी चीजों को, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे निर्देशांक रूपांतरण की जो प्रक्रिया है उसको हम बेसिकली दो टीयू में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलते हैं समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण और एक समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है। एक तो हम क्या बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, और दूसरा टाइम डिपेंडेंट। एक तो वो होते हैं निर्देशांक रूपांतरण जिसमें हमें टाइम की जरूरत ना पड़े, एक वो होते हैं जिसमें कि हमें टाइम की जरूरत पड़ती हो। तो ये सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट की हम सबसे पहले बात करें,
ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट की जैसे हमने बात की, तो इसमें सबसे पहले तो ऐसे होते हैं जैसे कि हम कोई दो स्थानांतरित निर्देश तंत्र की हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूँ बेसिकली आपके कोई दो निर्देश तंत्र हैं, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये निर्देश तंत्र जो है इसको मैंने एस नाम दे दिया। अब कोई जो जिसकी मैं पोजीशन देखना चाह रही हूँ पी, वो मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके रेस्पेक्ट में मान लो एक दूसरा निर्देश तंत्र मैंने ले लिया, ठीक है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं यहाँ से जैसे ये दोनों जो है एक दूसरे के सापेक्ष, ये एस है तो ये कैसा हो गया, एस डैश निर्देश तंत्र हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की जैसे मैं अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं, मैं जैसे ये मान लिया मैंने, तो जैसे मान लिया मैंने कि इसके मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है ये तो कितनी मान ली मैंने, आर, ये दूरी इसको मैंने मान लिया आर, और जबकि इसके मूल बिंदु से जो ये दूरी है, डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बन पा रहा, आप लोग कॉपी में थोड़ा ठीक से इसको ट्राई करना, इसको मैंने कितना मान लिया आर डैश, और इन दोनों ये जैसे ओ डैश था मेरा और ये ओ है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसको मैंने कितना मान लिया आर नॉट मान लिया। स्थिति सदिश जिसको हम बोलते हैं वेक्टर, हम इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, उसकी मैंने दूरी बता दी, ठीक है। तो मैं यहां से आर डैश इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर होता है स्थिति सदिश, हम नाम ही बोल रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर है, तो मैं इसको आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर नॉट ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, मैं इसको दोनों तरफ में क्या करती हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, तो मैंने ये लिख दिया डी आर डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी एंड माइनस डी आर नॉट अपॉन डी टी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ये लिख दिया। तो आपको पता है यहाँ पे क्योंकि अब एस और एस डैश जो दोनों निर्देश तंत्र हैं, मैंने ये माना कि ये दोनों जो है एक दूसरे के सापेक्ष में गति नहीं कर रही है दोनों, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो आर नॉट जो वैल्यू है ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो नहीं कर रहे, दोनों अपनी अपनी जगह पे, इनके रिलेटिव वेलोसिटी अपन जीरो मान सकते हैं, तो इसका मतलब आर डी आर नॉट अपॉन डी टी जो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, कि मतलब आर नॉट जो है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट है, तो इसमें चेंज कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी जीरो। तो उसके बाद में हमारे पास क्या बच गया यहाँ से, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये क्या हो गया, वी डैश बराबर वी हो गया, ये हमने क्या किया, वेलोसिटी रूपांतरण, या वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वेग, वेग का रूपांतरण, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो डीवी अपॉन डीटी है, अब जैसे इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर वन दे दिया, अब इसको मैं एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दूं कि डीवी डैश अपॉन डीटी बराबर में इसको लिखूं डीवी अपॉन डीटी, ठीक है, तो डीवी अपॉन डीटी बराबर क्या होता है, तो यहाँ से ए डैश बराबर क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर दो आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हमारे पास अपने आप ही आ गया कि बी बराबर वी डैश, इसका मतलब दोनों का जो वेग होगा वो भी नियत होगा, और दोनों के अगर हम त्वरण की बात करें तो दोनों का त्वरण भी ए बराबर ए डैश होगा, मतलब हम एक का दूसरे में रूपांतरण हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो समीकरण हमारी होती है, ये तीनों किस टाइप की समीकरण हो गई, जैसे हमने ये जीरो हो गया और ये इक्वेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि ये टाइम पे क्या डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये वैल्यू सही बराबर टाइम के साथ ही वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, चेंज नहीं होती, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड हम पढ़ते हैं टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।